माले मुफ्त दिले बेरह। कल 12 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया, जिसमें 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी तहाय लोग हुक्मरानों ने लिए और जितने लोगों ने लिए उसका पब्लिक कर दिया गया है। इससे पहले भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वो भी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन 2000 बच गए। इसके मुताबिक इमरान खान ने आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सहाक डार, मरियम कुलसुम नवाज से लेकर परवेज मुशरफ, यहाँ लिख हर जिस भी जो भी वजीर आजम या कोई भी आया सदर है उसने जैसे तहाइफ ली है और मुल्की खजाने को किसी इतदार नुकसान पहुंचाया। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे प्रोपागेंडा हो रहा है इमरान खान के खिलाफ की घड़ी चोर का, तो इसी तरह अपने कार्ड से खुलकर सामने आ रहा, पता लगेगा किसने किसने कितनी घड़ी ली है। अभी कार्ड खुलकर सामने आया तो पता लग रहा है किसने किस बेदर्दी से मुल्क का लूटा है। फिर कहूँगा माले मुफ्त दिले बेरह, जिसको जितना डालेगा उसने उतना उसको लूटा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मेरा स्टॉक ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे तोशाखाना के बारे में। तोशाखाना होता है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब भी कोई हमारे मुल्क का वजीर आजम या कोई उसके वजीर खारजा या कोई वजीर बाहर गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो अक्सर लोग जो होते हैं उनको दूसरे ममालिक के सरबराह उनको तोहफे में कुछ तोहफा देते हैं। कुछ इसी तरह हर अदवार में इमरान खान को मिला, नवाज शरीफ, जरदारी, जब भी वजीर खारजा को किया उनको तहायफ मिलते रहते हैं। एक तहायफ का होता है मकसद कि जब ये आ जाते हैं मुल्क में तो फिर इनको एक कानून बनाया गया कि अगर इनको तोशाखाना एक अदारा उसमें रखवा दिया जाए जिसमें उन्हें नीलामी करते हैं उस तहायफ की और उनको बेच दिया जाता है या उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है किसी म्यूजियम वगैरह में। तो हमारे जो हुकूमती सरबराह हैं या कोई पहले अहदेदार थे उन्होंने क्या किया कि कानून एक बनाया कि 5% 2002 में होता था कि 10,000 से कम मालियत के 10,000 मालियत के जो तहाइफ मिलते थे ना वो फ्री में मिल जाते थे, यानी कि जो हुकूमती अहदेदार थे। इससे अगर ज़्यादा 10,000 से लेकर 4,00,000 तक मालियत जो तहाइफ थे उसकी आप 15% जो है थी वो देनी पड़ती थी, यानी कि उसकी सर अमाउंट अगर 25,00,000 रुपये आप 15% उसकी अमाउंट अदा करनी पड़ती थी तो आप बाकी फ्री में रख सकते थे। ये इस तरीके कुछ हमारा जुलम होता था, लेकिन ऐसे ऐसे वक्त गुजरने का हुक्मरानों का जमीर जागता गया, अगर जो 25% कर दी, लेकिन जब इमरान खान साहब आए उन्होंने 50% इस कीमत को कर दिया। अभी इस बारे में प्रोपागेंडा किया जाता है कि इमरान खान ने भी तो हाई चोरी की है, हालांकि उन्होंने घड़ी ली थी 2 करोड़ कुछ मालियत की थी गोल्ड डायमंड की घड़ी, उसको भी उन्होंने 50% की कीमत अदा की थी और फिर जाकर घड़ी ली थी। इसी तरह इमरान खान ने बहुत से और भी तो हाइप लिए थे जिसमें 8 करोड़ की डायमंड की घड़ी आ गई शामिल होगी, 56,70,000 रुपये का उन्होंने कफ टूर लिए थे, कफ फ्लेक्स लिए थे, 15,00,000 रुपये की उसने कलम ली थी, 87,50,000 रुपये की उन्होंने एक अंगूठी भी गोल्ड की ली थी, लेकिन उन्होंने इसकी 50% कीमत अदा की थी। ठीक है, इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब जो माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन सियासतदान कहा जाता है, मुतबिर कहा जाता है, उन्होंने घोड़ों का बहुत शौक था, उन्होंने इसी तरह 25,000 का एक घोड़े का मॉडल और 50,000 मालिक की पिस्तौल दोनों सिर्फ और सिर्फ 9,750 रुपये में खरीदे थे। घोड़े का उनको बहुत ज़्यादा शौक थे, घोड़े का मॉडल ओरिजिनल घोड़ा रहता था। इसी तरह उन्होंने 2,73,00,000 की गाड़ी 40,99,000 में खरीदी थी, कि 2 करोड़ मालिक की गाड़ी थी जिसको उन्होंने सिर्फ 40,00,000 और 99,000 में खरीदा था। इसी तरह उन्होंने 12,00,000 की घड़ी और 600 और 6,800 मालियत के गोल्ड और सिल्वर के कुवैती दिनार किस्म के सिक्के खरीदे थे। अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब की जो हमारे बहुत मकबूल लीडर वो भी हैं उनके बारे में आज बताया गया था कि उन्होंने बेरहमी से तोशाखाना को लुटाना, यानी कि जब तक जो तहाल मिले तकरीबन सभी ने उनके पास ही किए हैं। हालांकि मैं इससे पहले बता दूंगा कोई गाड़ी होती है या कोई ऐसे का होता है रेफरेंस गाड़ियाँ हो गई या कस्टम हो गया तो हाइप ऐसे तो हाइप किसी को भी खरीदने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये होता है कि एक दारा बना होता है गाड़ी वाला तो म्यूजियम में रखवा देंगे या फिर उसको प्रॉपर उसको रखा रहे तो खराब ना हो या यूज़ में ना आए हो, और जो सीनरी वगैरह आती हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी किसी को लेने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद कानून होने के बावजूद हमारे हुक्मरान उसको फिर दोबारा से फिर लेते रहे हैं। तो अगर हम देखते जरा थोड़ा सा आपको बताता चलूँ आगे,
इसी तरह जरदारी साहब को एक वो मिली थी, पेंटिंग मिली थी जो कि उन्होंने मुफ्त में रख ली थी, उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया था। साबक वजीर आजम आसिफ रजा गिलानी साहिब ने तकरीबन 5 मस्जिद लैंड क्रूजर गाड़ियों ली थी मर्सिडीज, जिन्हों को उन्होंने कम मालिक में लिया था। साबक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 6,000 रुपये में खाना काबा के दरवाजे का मॉडल लिया था, सिर्फ 6,000 रुपये में खाना काबा के दरवाजे का मॉडल लिया था। और इमरान खान साहब के ऊपर ये तंकीद करते हैं कि उन्होंने खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को उन्होंने बेच डाला, शर्म नहीं वो नहीं हुआ, इस तरह का हाथ है। इस तरह से यूसुफ रजा गिलानी की अहलिया ने हार समेत ज्वेलरी सेट 3,26,000 रुपये में लिया। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और भाई ने भी तहाइफ लिए। 2010 में आसिफ जरदारी ने तहाइफ लिए जिनमें पेन डेकोरेशन पीस वगैरह शामिल है। इस तरह सबक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो कि सबक यानी कह रहे हैं वजीर खजाना आसिफ पीपल पार्टी के भी रहे हैं और पीटीआई के भी रहे हैं, उन्होंने अब भी 2 स्टैम्प एल्बम लिए थे तोशा खाना से, यानी कि शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने भी कफलिंग्स और पेन का तोहफा मुफ्त में लिया था। मैंने अमर बख्शी साहब ने 15,000 रुपये में घड़ी खरीदी। डॉक्टर आसम वजीर पेट्रोलियम से उन्होंने 320-320 रुपये में सिर्फ घड़ी खरीदी थी तोशा खाना से। सारे कम अज़ कम उसकी माली तो 1 लाख तो होगी ना, लेकिन उन्होंने फिर भी 3200 रुपये में खरीदी थी। इसी तरह हमारे बहुत ही मकबूल और हमारे बहुत ही काबिल जो वजीर खजाना है प्रेजेंट वजीर खजाना मकूमर को इसहाक डार साहिब ने सिर्फ जस्ट 1,000 रुपये में बेडशीट ले ली। इन्होंने सोच का अंदाज़ा लगाया कि यार एक बेडशीट थी उसको क्या लेना, क्या बाजार से खरीद नहीं सकते थे, उन्होंने वो भी नहीं छोड़ी है हमारे खजाने में। और होती तो चले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम आ जाती ना, खुद घर ले गए हुकूमत के किसी काम आती ना, लेकिन नहीं उन्होंने 1,000 रुपये देकर बेडशीट भी खरीदी माशाल्लाह। इसी तरह सबक सदर ममनून सैंडो के इस वक्त दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उन्होंने भी क्रेन खरीदे कोई तहाइफ लिए। शुजात हुसैन साहब ने भी 67,000 रुपये घड़ी खरीदी। फवाद हुसैन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसके आशरीफ साहब के, उन्होंने भी रोलेक्स घड़ी खरीदी 6,51,000 रुपये खरीदी। नवाज शरीफ ने एक सेनरी भी ली, शुभाष शरीफ ने 3,000 रुपये एक तलवार ली। ये शुभाष शरीफ साहब ने ना तकरीबन बहुत कम ये तहाइफ जो मिलते थे इन्हों को इन्होंने ज़्यादा तोशा खाने में जमा करवाया। इस तरह मरियम औरंगजेब जो वजीर इतलात है उन्होंने भी तहाइफ ज़्यादातर उसमें जमा करवा दिया। सबसे ज़्यादा लूटमार की आसिफ जरदारी ने, मरियम कलसूम मरियम नवाज ने, कलसूम नवाज ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जो मेन मेन बड़े नाम आते हैं इनमें ये 3-4 नाम आते हैं जिसको करप्शन जिसके कहते हैं नाम लगा वही ज़्यादा इसमें क्या है। अच्छा जी घड़ियाँ तो सभी ने खरीदी, सभी को उसको नहीं शौक था घड़ियों को, जब तक आप पर्सनैलिटी का होता ही है वो घड़ी के ऊपर। इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी जिस चीज़ को भी कह रही है घड़ी का नजर आई है ना उसने घड़ी को छोड़ा ही नहीं है। अभी हाल ही में सबक वजीर आजम शाह खान बासी साहब को आया कि मुझे घड़ियाँ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दो बेटे ने 2 घड़ियाँ तो उधर से ली थी तोशा खाना से कम कीमत देकर, क्योंकि एक कानून बना हुआ था कि 15% आप दें नहीं कि मतलब एक चीज़ 1,00,000 रुपये की उसको आपने सिर्फ 15,000 रुपये में खरीद लें, आगे से आपकी मर्जी हो जितने मर्जी पे उसको आपको कोई रोकने वाला नहीं था। इमरान खान साहब ने उसको 50% किया है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद होती रही है। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं जी। जी 2019 में आरफ अलवी चांदी ने चांदी के कैटल 47,500 में खरीदी। इमरान खान ने डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया। जो हमारे प्रेजेंट सदर है आरफ अलवी साहब, उन्होंने 2019 के अंदर 47,500 रुपये का टीनर सेट खरीदा था, कैटल सेट जिसको चाय सेट कहते ना वोला खरीदा उन्होंने 47,500। 2020 में इमरान खान ने मस्जिद का मॉडल मुफ्त लिया, यानी कि बात हो गया 10,000 से कम अगर मालिक का मॉडल था तो उन्होंने मुफ्त ले लिया उसको, ठीक है। इसी तरह इमरान खान साहब की बेगम ने बुशरा बीबी ने फिर एक नेकलेस लिया, रिंग और दीगर जेवरात 90,31,000 रुपये में खरीदे, यानी कि 50% उन्होंने उसकी मालियत उन्होंने फिर भी अदा की होगी जिसका मैंने जो कानून था, क्योंकि उन्होंने अभी देखना सिर्फ एक घड़ी का शोर में या बाकी किसी चीज़ के बारे में पता है इसके बारे में वो नहीं कर सकते हैं। चलिए 2021 में इमरान खान साहब ने 1,000 रुपये का क्लीन भी खरीदा था, 45,000 रुपये टीनर सेट लिया, 1,45,000 रुपये पिस्तौल खरीदा, इमरान खान साहब ने भी एक पिस्तौल खरीदा था, वाह क्या बात है।
2022 में इमरान खान ने कई तोहफे में मुफ्त में लिए 2,80,000 का सॉफ्ट ड्रिंक सेट लिया, एक क्लीन 13,800 में लिया। मियां शबाज शरीफ ने बतौर इब्राहम स्टेशन का मुफ्त मॉडल लिया जिसकी कीमत 16,000 रुपये थी। चले वो भी चलो मान लिया, ठीक है जी। बाकी तोहफे तो शखन में जमा करा दिए। देखिए जिसका जान जान जितना जान दालत करा उस रतना वो लेता रहा है। अब जब हुकूमत ने जो उसे तोहफा करवाया, रिकॉर्ड शो करवाया, उसके अंदर 2002 से लेकर तो 2023 तक का रिकॉर्ड है। इसमें सिर्फ हम आपको बताने को मखसूस 2021-22-23 में कितने तोहफे पर। 2021 में आपको 116 तोहफे मिले पाकिस्तान को, 2022 में फिर 224 तोहफे मिले और 2023 में सिर्फ 59 तोहफे मिले अभी तक, जो कि तकरीबन तोशाखाना में ज़्यादा जमा होते रहे लेकिन बाद में उसको लोग खरीदते हैं। अब बात आ रही थी कि तोशाखाना के लिए तोहफे सिर्फ क्या हुकूमती मेम्बरान के लिए होते हैं कि सभी ले सकते हैं। ये वैसे बेसिकली बनाए गए हुकूमती सरबराहान या फिर जो हुकूमत के अंदर अंडर होते हैं, यानी कि पब्लिक होल्डर ले सकता है, दूसरा बंदा ले सकता है। लेकिन इसमें जियो न्यूज़ के एंकर शकील रहमान ने, मेरे ख्याल से उनका नाम था, मुझे एक सेकंड, जियो न्यूज़ के डायरेक्टर ने 1,10,000 की घड़ी सिर्फ 20,000 रुपये में ले ली। यानी कि वो कोई सरकारी अहदेदार नहीं थे लेकिन उन्होंने फिर भी इसमें हाथ लगाया, यानी करप्शन रेफरेंस जो भी कह रहे हैं इसको, इसके अंदर यूज़ किया अपना। इसी तरह मरियम नवाज साहिब नवाज शरीफ की जो बेटी है उन्होंने पाइन एप्पल, एक खाने वाला एक पाइन एप्पल था, वो भी उन्होंने लिया तोशा खाना से। बड़ी हमाकत की बात मैं इसको कहूँगा यार कि किस कदर हमारे लोग को बड़ा गरीब कह रहे लोग किस कदर उनकी घटिया सोच है। खैर छोड़े, आता ये है कि अब हम कहेंगे सभी एक जैसे, कोई भी इसमें दंगा ये देखने जाए तो हाइफली इमरान खान साहब इसमें भी आ रहे हैं, नवाज शरीफ भी आ रहा है, जरदारी भी आ रहा है, शहबाज शरीफ भी आ रहा है, और इसके अलावा समझा बहुत से फौजी जो रिटायर्ड फौजी उनका भी करवाया जाए मुहासबा तो भी इसके अंदर आएंगे। उन्होंने बहुत से तो हेल्प अप की है, सिर्फ सियासतदान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदान को बदनाम किया था, दूसरों को क्यों नहीं किया जाता है। मुमकिन उम्मीद है ये जो रूल एंड लॉ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको भी बहुत से तोहफे मिलते होंगे। दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे आप बहुत से तोहफे मिलते होंगे, उनको रिकॉर्ड के सामने नहीं लाते, सिर्फ सियासतदान को प्लीज किया जाता है, सियासतदान चोर है, सियासतदान वो है, सियासतदान वो। एक कैप्टन यानी कि कह लें कि आपने फौज के अंदर अपने मेजर भर्ती होना, यानी कि या सेकेंड लेफ्टिनेंट भर्ती होना अपने FSC के बाद, ठीक है। आपने जब अप्लाई करना ना उसके लिए आपका इंटरव्यू होना है, उन्होंने आपको पूरा रिकॉर्ड चेक करना अपने स्कूल लेवल से, नर्सरी क्लास से लेकर आपका जहाँ ग्रेजुएशन किया, उन्होंने आपको एक एक चीज़ उन्होंने जाकर पता करनी होती है, फिर जाकर नहीं आपकी वो जॉब आपको देते हैं, वो सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए चूज़ करते हैं आपको। जब एक सेकेंड लेफ्टिनेंट फौज के अंदर एक कह 12वां स्केल्स का हो गया, 14वां स्केल होगा उसका, आई थिंक कन्फर्म नहीं है मुझे, तो उसके लिए चीज़ें तहकीकत की जाती है। जो आपने 23 ग्रेड का एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सरबराह 24 ग्रेड का चूज़ करना है, उसके लिए आप पूरी तहकीकत करते हैं, क्या उसको नहीं बारे में होना चाहिए, उसके मेंटली फिजिकल उस काबिल है भी कि नहीं, वो हुकूमत चला सकता है कि नहीं चला सकता है, या फिर वो इस काबिल है भी कि नहीं कि वो मुल्क का मुहब वतन है भी कि नहीं, गद्दार है। आप कहा जाते हैं इमरान खान साहब यहूदी लेजेंड है, वो है वो है, उसने मुल्क को तबाह कर दिया, नवाज शरीफ ऐसा था वैसा था, क्यों यार इसके बारे वो अपनी तहकीकत करवा सकते कि यार इस काबिल है भी कि नहीं है। 22 साल इमरान खान ने मुल्क के लिए हुकूमत की है और बाइट भी खेला है, उसकी तहकीकत करवाएं कि यार इसके किस किस से रबते हैं, कि यहूदी लेजेंड से रबते हैं या वैसे ही है, कि आप ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं इसके खिलाफ। बस सिंपल सी आपको इतनी की मिसाल दूंगा कि यार अगर हम एक फौज का सेकेंड लेफ्टिनेंट चूज करने के लिए वो कर सकते हैं ना सभी तहकीकत, एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क बनाने के लिए तहकीकत होनी चाहिए, नई तहकीकत कर सकते। अब देखे ना जैसे कि हम कह रहे थे कि अगर आप लोगों का हिसाब होता है तो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, हुक्मरान सभी को फांसी के कटहरे पर लटका दिया जाएगा, चले मार दिया। तकरीबन पाकिस्तान को मरे को 75 साल हो चुके हैं और इन 75 ईयर्स में एक मरतबा भी कोई वजीर आजम अपनी 5 साल की असम्बली मुदत पूरी नहीं कर सका है, कोई कौमी असम्बली अपनी 5 साल की मुदत पूरी नहीं कर सकी है। हाल ही में आपने देखा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, उन्होंने हुकूमत को भी गिरा दिया गया। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क हमें अजीज है, हमें मुल्क के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब देखे ना
पुराने वक्तों में जब बादशाह का निजाम था, तो जब बादशाह होता ना उसका बेटा 16 साल का बेटा भी ना वो भी नहीं बनता, मोहम्मद बिन कासिम लेकर जंगे लड़ी है। इसी तरह बहुत से आते हैं, अकबर बादशाह था जो भी 17 साल की उम्र में वो भी बादशाह बना था, तो क्या वो तो छोटे से बच्चे यानी कि कम उम्र नहीं थे वो, उन्होंने को तो कोई 50 साल की उम्र नहीं चाहिए थी, वही उन्होंने तजुर्बा है कि 16 साल को बादशाह बना जाएगा, फिर भी हुकूमत की कामयाब तरीन उन्होंने हुकूमत की। जब उन्होंने को बनाया रहता था ना, जब वो पहले हो गए 4 साल का हो गया 5 साल का, थोड़ा होश संभाल लिया उन्होंने, और चल दिए तो उस लेवल से शुरू की जाती थी कि अब इससे आगे से बादशाह बना, उसको रहनी मेंटली तरह उसकी फिटनेस बनाई जाती थी कि यार इसने आगे कल को हुक्मरानी करनी है, इसने दुनिया में हुकूमत करनी है, इसने जो भी करना है। हाल ही में आप देखे कि सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा है, कुलूस उस्मान ड्रामा है, बहुत फेमस है तुर्की का, उसके अंदर अगर आप देखें तो दिखा रहे थे उस्मान अपने बेटे की तरबियत कैसे कर, बचपन से उनको सिखाया जाए कि आपने सिलसिला करना है। फिर अब्दुल हमीद अपने बच्चों की शहजादों की तुम ये तरबियत कर, तो अपने बताता है कि मुझे पहले तरबियत मेरी कैसे तरीके से की गई थी। तो मैं सिंपल से ये कहना चाहूँगा कि यार जब हमारे पास, हम जानते हैं कि पोलिटिकल इशू नहीं है हमारे पास ना, पोलिटिकल कमी है लोगों की, लोग अच्छे नहीं है, ईमानदार नहीं है, जैसे भी चलो लेना मसला है। अब फौज हमारी मुल्क की फर्ज की जामी ना हो, हाँ मैं समझ रहा हूँ सभी इदारे करप्ट हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, गद्दार होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी फौज के साथ में हमारा पाकिस्तान इस वक्त कहा है। मैं इस चीज़ का मान रखता हूँ कि हमारी फौज ना होती तो आज शायद हम इतने ना होते, इंडिया हम पर हमला करके कब तक गुद्दा कर चुका होता। मैं अपनी फौज से अपील करना चाहूँगा कि यार अगर आप मुल्क के कितने खैर खुआ हैं, आप सिंपल से इतने काम कर यार, आप सिर्फ सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए हाई लेवल का स्टूडेंट चूज करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए 400 बच्चे इकट्ठे करें उन्होंने, ठीक है 400 में से फाइनल आगे करें, उसमें से चूज करें, फिर आगे जो फाइनलाइज बच्चे हो ना उनको आप ट्रेन करें फुली तौर पर, मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें, आपने कैसे मुल्क को चलाना है, कैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपने अदारे को संभालना है, कैसे अपने मुल्क को संभालना है, लेकिन उनको जहनी तौर पर प्रिपेयर किया जाएगा। अगर कल मुस्तकबिल में तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुमने इस मुल्क को संभालना है, तुम्हारे मुल्क में हाथों में सांस है इस मुल्क का। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, जो उठा बंदा जिसके पास 12 पढ़ा बंदा वो भी जाकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, नकली जेनेटिकली जो बनाया मैंने बनाया वो हमारे कानून साजी कर रहे हैं, कानून का मतलब ही जिसको नहीं पता है तो वो कानून कैसे बना सकता है, क्या इस मुल्क का बनेगा। सिर्फ उस मुल्क को ये चाहिए होना चाहिए, अगर हम कुछ कर सकते हैं ना इस चीज़ के खिलाफ बात करेंगे कि ये गंदा है, उसको लाओ नवाशी को लाओ दरदारी को, इस चीज़ के खिलाफ हमें कंपेन करनी चाहिए कि यार इतना अरसा हो चुका है अभी तक हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं मिला है, तो हम सिंपल ये करें कि यार कुछ बच्चों को, नौजवानों को लें या कुछ बच्चों को लें, उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, हमें 5 साल 10 साल मुश्किल हो गए, लेकिन 10 साल बाद अगर वो बन जाते स्टेबल हो जाते हैं, स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो हमारे फायदे में ही होगा, उससे बेहतर कौन हो सकता है जिसको पूरी ट्रेन किया गया होगा, इससे हमारे मुल्क पोलिटिकल इस तक काम भी आएगा और हमारा मुल्क भी समझेगा, और इन सब गद्दारों को, इन सब पॉलिटिशियन को जो चोरी करते हैं, क्रिमिनल, इन सबका हाथ काट दीजिए, और जो गद्दार है उसको तो गला काट दिया जाए ना, वैसे जो चोरी करता है उसके हाथ काटेंगे इस्लाम के उसूल के मुताबिक, मैं तो इस चीज़ पर मान रखता हूँ। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह वो पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैं तोशा खाने के हाल के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।